चिकन ड्रमस्टिक बना रहा हूँ मैं देसी तड़के के साथ। यहाँ दोस्तों एक बार फिर से बना रहा हूँ मैं, इसमें एक देसी तड़का बनाएंगे जिसमें बहुत मसालेदार और स्पाइसी बनेगा। ये पिछला वाला वीडियो तो आप सभी ने देखा होगा दोस्तों, इंस्टाग्राम पे 65 मिलियन और यूट्यूब के ऊपर 40 मिलियन प्लस व्यू आए थे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 4 पीस चिकन ड्रमस्टिक ले लिए मैंने, एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इसके अंदर 2 मीडियम साइज के आलू एड कर देता हूँ और नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से और 1 गिलास पानी डालकर अब इसको कवर करके हम 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से उबलने के लिए छोड़ देंगे। देखिए 15 मिनट तक मैंने उबाल लिया, चिकन अच्छे से चुका है। तब चिकन को हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं और सारे चिकन को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब हल्का सा चिकन ठंडा हो जाएगा तो एक चाकू की मदद से इसकी मीट अलग कर लेंगे और इसकी बोन अलग कर लेंगे। मीट और बोन दोनों को अच्छे से अलग करके इसे साइड में रख लेंगे। इस बोन को हम बाद में यूज करेंगे दोस्तों, इसे फेंकना नहीं है। तो इस बोन को हम साइड में रख लेते हैं, उसके बाद इस मीट को हम चॉप कर लेते हैं। तो एक चाकू की मदद से मैं हल्का हल्का सा इसे चॉप कर लेता हूँ, देखिए इस तरह से। अब इस चिकन को हम साइड में रख लेते हैं, उसके बाद एक तड़का बनाएंगे। तो तड़के के लिए मैंने एक बर्तन गर्म कर लिया, उसके अंदर 2 चम्मच तेल डालूंगा। तेल गर्म होने के बाद 1/2 चम्मच अदरक, 1 चम्मच मैंने लिया लहसुन और करीब 2 से 2.5 चम्मच इसके अंदर मैं ले रहा हूँ हरी मिर्ची थोड़ी तीखी वाली ले रहा हूँ। इन सभी चीज़ों को चॉप करने के बाद हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद 1/2 प्याज लिया मैंने इस तरह से कट करके, प्याज को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए प्याज अच्छे से नरम हो चुका है, प्याज का कलर चेंज नहीं करना है, मैं आपको चेक करा देता हूँ। इस तरह से जब प्याज हो जाएगा तो बस गैस की फ्लेम बंद करके 2 से 3 चुटकी इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे और जो हमने चिकन को अच्छे से चॉप करा था चिकन ऐड कर देंगे। और उसके बाद दोनों आलू मैंने लिए, आलू का छिलका उतार के आलू को मैश करके इस तरह से ऐड कर देंगे। अब इसके बाद इसके अंदर पाउडर मसाले डाल रहा हूँ, 1/2 चम्मच गरम मसाला, नमक टेस्ट के हिसाब से, 1/2 चम्मच चिल्ली फ्लेक्स और मैं डाल रहा हूँ ओरेगेनो 2 से 3 चुटकी और 1 चम्मच चाट मसाला। जी हाँ दोस्तों, चाट मसाला तो जाएगा ही, ओरेगेनो ऑप्शनल है दोस्तों, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मैश करते हुए इसे इस तरह से होने तक हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और हरा धनिया डालने के बाद फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे चूल्हे से हटा लेते हैं, उसके बाद ये हल्का सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा पोर्शन हाथ में ले लेते हैं इसका, देखिए इस तरह से। और उसके बाद जो हमने बोन ली थी, बोन के ऊपर इसको हम एक ड्रम स्टिक का शेप दे देंगे। इस तरह से हाथ की मदद से अच्छे से दबा दबा के एक शेप दे देना है। फिर इसे हम साइड में रख लेंगे एक प्लेट के अंदर, इसी तरह से सारे पीस बना के फिर 1/2 घंटे के लिए हम इसको फ्रीजर में सेट होने के लिए छोड़ देंगे। जब देखिए अच्छे से सेट हो जाएगा इस तरह से, तो इसके बाद हम एक पीस उठाकर अंडे में हम कोट करेंगे। तो ये देखिए मैंने एक अंडा लेके इसको फेंट लिया है, इसको अच्छे से अंडे में कोट कर लेंगे। जब ये अच्छे से अंडे से कोट हो जाएगा दोस्तों, तो इसको हम ब्रेड क्रम से कोट करेंगे। तो मैंने 2 ब्रेड लिए थे, उसको मिक्सी जार में डाल के पीस लिया इस तरह से। अब इसको अच्छे से कोट कर लेंगे और इसको हम डीप फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने तेल पहले से गर्म होने के लिए छोड़ दिया था, ज्यादा तेल गर्म नहीं रखना है और ज्यादा ठंडा भी नहीं रखना है। इसी तरह से जितने पीस आपके बर्तन में आएंगे उतने डाल लेंगे और 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 2 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे। इसकी साइड चेंज करने के बाद फिर से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए इस तरह से जब कलर आ जाएगा तो निकाल कर फिर इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो दोस्तों सिंपल और आसान तरीके से ड्रम स्टिक बन के तैयार है, बहुत टेस्टी और बहुत लाजवाब बनता है दोस्तों ये मसाले वाला। आप भी इसे बना के जरूर ट्राई करें। दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें और इसी रेसिपी के लिए मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करें दोस्तों।